हो जाओ, हम इकट्ठे लंच करेंगे। मुझे भूख नहीं है, आप लोग लंच कर ले। जिद नहीं करते बेटा, मैं नीचे वेट कर रही हूँ तुम्हारा लंच के लिए। ओके रामीन, ये तो वही लड़की है ना जिसका केस शाहवेज लड़ रहा था। कब तक? अरिशा आपको पसंद करती है और शायद मोहब्बत भी। मुझे तुमसे मोहब्बत है ईशा। मीडिया पर इनकी स्टोरी सुनते रहते हैं, कैसे अमीर सहेली के घर आना जाना था इनका, और फिर जब उस सहेली का भाई इन पर आशिक हुआ तो न जाने क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं ईशा अब चूंकि शावेज लोगों के घर आकर रहने लगी हैं, इसलिए शावेज के साथ रहकर अब ईशा को भी शावेज से आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत होने लगेगी। मोहब्बत तो उसको पहले से ही शावेज के साथ थी, लेकिन वो इसका इजहार इसलिए नहीं कर रही थी कि उसकी वजह से शावेज की जान खतरे में ना जाए, क्योंकि मलिक इजलाल उसको हासिल करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ईशा ने अभी तक शावेज पे ये बात जाहिर नहीं की थी, लेकिन जब ये साथ रहने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ईशा अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहेगी शावेज के साथ। लेकिन बीच में शावेज की माँ की फ्रेंड की बेटी आ जाएगी और वो ऑलरेडी शावेज को पसंद करती हैं और ईशा नहीं चाहती कि वो उन दोनों के बीच में आए, लेकिन शावेज को किसी भी सूरत ईशा से ही शादी करनी है और वो उस दूसरी लड़की से मोहब्बत नहीं करता। व्यूअर्स आपको क्या लगता है, जबकि शावेज की मंगनी फिक्स हो चुकी है उस लड़की के साथ, अब शावेज किस तरह अपनी बात से पीछे हटेगा और उस लड़की की बजाय ईशा से शादी करने का इरादा करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।